hello students today we study about uh, trigonometry exercise 10 question 11 to 35 first of all i am going to tell you uh, question number 9 question which is wrong in a previous lecture here a b square equal to 16 and a b equal to 4 mystically it was written 8 so the uh, value of sine theta will be 4 by 5 and 10 theta equal to 4 by थ्री सो दैट हियर वी पुट साइन थीटा फोर बाई फाइव माइनस थ्री टेन थीटा की वैल्यू फोर बाई थ्री थ्री से थ्री कैंसिल एंड फाइव टू फाइव कैंसिल एन फोर माइनस फोर इक्वल टू जीरो इट वॉज अस्टेक ये मिस्टेक हो गया था जहाँ पे यहाँ पर हमारा एट लिखा गया था यहाँ इसको करेक्शन कर लेंगे आप लोग अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ क्वेश्चन है हमारा टेंथ थीटा इक्वल टू वन अपॉन रूट सेवन तो हमें बताना है कि कोसे स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर थीटा अपॉन कोसे स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो थ्री अपॉन फोर तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और टेन थीटा इक्वल टू था परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि वन अपॉन अंडर रूट सेवन तो हाइपोटेनस हम निकाल लेंगे ए सी की वैल्यू ए सी स्क्वायर इक्वल टू तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी का स्क्वायर प्लस अंडर रूट सेवन का स्क्वायर वन प्लस सेवन एट आ जाएगा एट को हम लिख सकते हैं टू अंडर रूट टू कैसे लिख सकते हैं एट को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे टू टू या फोर टू फोर ज़ा एट और टू टू ज़ा फोर और टू वन जा टू यानी एक पेयर बन गया तो हम इसको लिख देंगे टू अंडर रूट टू एक टू बच गया तो इसको हम लिख देंगे अंडर रूट में यानी टू अंडर रूट टू हो जाएगा अब कोसेक थीटा देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी किसकी चाहिए कोसेक की चाहिए सेक की चाहिए तो हम यहाँ से कोसेक की वैल्यू निकालेंगे तो कोसेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि टू रूट टू अपॉन वन और सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी यानी कॉस कॉस का अपोजिट होता है यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी टू रूट टू अपॉन अंडर रूट सेवन अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे कोसे स्क्वायर थीटा माइनस एक स्क्वायर थीटा अपन कोशे स्क्वायर थीटा प्लस से स्क्वायर थीटा में तो वैल्यू रखेंगे टू रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ माइनस टू रूट टू रूट सेवन का स्क्वायर अपन टू रूट टू का स्क्वायर प्लस टू रूट टू अपॉन रूट सेवन का स्क्वायर तो ये किसकी वैल्यू कितना आ जाएगा टू टू जै फोर और एक अंडर रूट टू का स्क्वायर होगा तो टू हो जाएगा तो टू टू या फोर टू जा एट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा एट अपॉन सेवन एट प्लस एट अपॉन सेवन एलसीएम लेंगे तो सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स माइनस एट टोटल के अपॉन सेवन यहाँ भी फिफ्टी सिक्स प्लस एट टोटल के अपॉन सेवन तो सेवन से सेवन कैंसिल ये हो जाएगा फिफ्टी सिक्स माइनस एट सिक्सटी फोर अपॉन फोर्टी एट अपॉन सिक्सटी डिवाइड कर लेंगे टू से तो ट्वेंटी फोर अपॉन थर्टी टू आ जाएगा और डिवाइड करेंगे एट से टू एट थ्री ट्वेंटी फोर और एट फोर जा थर्टी टू ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन ट्वेल्व की तरफ चलते हैं फिर क्वेश्चन है टेन थीटा इक्वल टू ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी वन माइनस साइन थीटा प्लस कास् थीटा वन प्लस साइन थीटा प्लस कास थीटा इक्वल टू थ्री बाई सेवन हमें प्रूफ करना है तो फिर वही का हम ट्रेंगल बनाएंगे यहाँ ट्वेंटी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए सी हम निकालेंगे तो ए सी निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा ट्वेंटी नाइन आई होप सभी लोग ये चीज़ निकाल लेंगे साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा ट्वेंटी अपॉन इसकी वैल्यू आ जाए ट्वेंटी नाइन तो साइन थीटा लिए ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी नाइन कॉस थीटा के ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी नाइन तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले, ले लेंगे वन माइनस साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा वैल्यू पुट करेंगे वन माइनस साइन की वैल्यू ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी नाइन वन प्लस ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी नाइन प्लस ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी नाइन एल्सीम लेंगे ट्वेंटी नाइन यहाँ आ जाएगा ट्वेंटी नाइन माइनस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी वन ट्वेंटी नाइन से ट्वेंटी नाइन ये हमारा कैंसिल होएगा सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा थ्री बाई सेवन इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्टीन है सेक थीटा की वैल्यू दिया गया फाइव बाई फोर तो हमें प्रूफ करना है कि साइन थीटा माइनस टू कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू तो ट्वेल्व बाई सेवन ट्राइंगल बना लेंगे सेक थीटा इक्वल टू तो हाइपोटेनस अपॉन बेस ए सी की वैल्यू ए सी स्क्वायर इक्वल टू तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इसकी फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ए बी की वैल्यू निकालनी है और बी सी का स्क्वायर फोर का कितना हो जाएगा सिक्सटीन सॉल्व कर लेंगे इसको इधर माइनस करेंगे नाइन आएगा यानी ए बी की वैल्यू आ जाएगी थ्री तो साइन थीटा और कॉस थीटा टें थीटा कॉट थीटा सबकी वैल्यू हम निकाल लेंगे अब सबकी वैल्यू निकल जाएगी साइन थीटा कितना आएगा परपेंडिकुलर ये थ्री आया है यानी परपेंडिकुलर पेंटिकुलर अपन हाप्रोटेनस थ्री बाई फाइव कॉस थीटा का बेस बाई हाइप्रोटेनस फोर बाई फाइव टें थीटा का क्या आ जाएगा हमारा थ्री बाई फोर परपेंटिकुलर बाई वेस कॉट थीटा का बेस बाई परपेंडिकुलर अब इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे साइन थीटा माइनस टू कॉट थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा वैल्यू रखेंगे थ्री बाई फोर माइनस टू इंटू फोर बाई फाइव यहाँ पर थीटा की वैल्यू थ्री बाई फोर माइनस फोर बाई थ्री सॉल्व करेंगे कॉट कर थीटा की वैल्यू दिया गया तो हमें प्रूफ करना है कि सेक थीटा माइनस को सेक थीटा, सेक थीटा प्लस को, को सेक थी एक अपॉन रूट सेवन तो सेक थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होता है बेस बाई परुलर एसी की वैल्यू निकाल लेंगे कितना आ जाएगा फाइव अब इसी में हम सिंपली रख के सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा वन बाई रूट सेवन आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा देख लीजिए सिक्थीटा केवल फाइव बाई थ्री है यहाँ फाइव बाई फोर फाइव बाई थ्री प्लस फाइव बाई फोर एल सी में लेंगे ट्वेल्व हो जाएगा ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन हो जाएगा यहाँ ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन हो जाएगा एल सी यहाँ भी ट्वेल्व होगा ट्वेल्व से ट्वेल्व कैंसिल हो जाएगा फाइव बाई थर्टी सेवन फाइव बाई थर्टी फाइव आ जाएगा फाइव से थर्टी फाइव वन बाई रूट सेवन होगा यानी वन अपन अंडर रूट सेवन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इसमें हमें प्रूफ करना है कि कोसे की स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पॉन सी स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू तो रूट सेवन बाई थ्री तो साइन थीटा की वैल्यू थ्री ए पॉन फोर बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे रूट सेवन आएगा जस्ट सिंपली इसमें पुट करके सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ये कई बार ये क्वेश्चन ये सब हो चुका है एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं देख लीजिए आप लोग एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है यहाँ पे यहाँ पे अल्जभ नंबर्स नहीं दिया गया यहाँ पे ए अपॉन बी लिखा हुआ साइन थीटा इक्वल टू तो ए यहाँ हो जाएगा बी यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी की वैल्यू बी है ए बी का ए है तो बी सी स्क्वायर यानी इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो बी स्क्यर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर इधर आएगा तो अनरूट हो जाएगा तो हम यहाँ से सेक् थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे सेक् थीटा की वैल्यू क्या होगा बी अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टेन थीटा का ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टेन थीटा इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस अब हम आगे जब वैल्यू uh, रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सेक थीटा प्लस टेन थीटा में तो बॉन अंडरूट बी स्क्वायर माइन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब यहाँ एल्सियम लेंगे तो अंडरूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा बी प्लस ए तो हम ए माइ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ आएगा बी माइनस ए बी प्लस ए तो बी प्लस ए से बी प्लस ए कट जाएगा अब चूंकि ये कटेगा तो एक अंडर रूट में यहाँ बच जाएगा जैसे हम लिखते हैं अगर दो लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू तो ऐसे यहाँ पे है कि बी प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं बी प्लस ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट बी प्लस ए और अंडर रूट बी प्लस ए दो बार हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं तो एक बार से ये एक बार ये कट जाएगा इससे तो एक बार बच जाएगा तो वही यहाँ पर बचा हुआ अंडर रूट बी प्लस ए अपन बी माइनस ए क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन और एटीन होमवर्क है कास् थीटा इक्वल टू थ्री बाई फाइव दिया गया है और सो हमें सो करना है कि साइन थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन टू टू टेन थीटा इक्वल टू थ्री बाई सिक्सटी क्वेश्चन नंबर एटीन है टेन थीटा इक्वल टू फोर बाई थ्री तो साइन थीटा प्लस थीटा इक्वल टू सेवन बाई फाइव प्रूफ करना है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन टेन थीटा इक्वल टू ए बाई बी दिया गया है. हमें प्रूफ करना है कि ए साइन थीटा माइनस बी थीटा अपने साइन थीटा प्लस बी कास्थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर तो हम ट्रैंगल बना लेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस होता है यानी कि ए बाई बी दिया है तो ए बी हो जाएगा ए सी की वैल्यू निकालेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर यानी ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास् थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बेस्कार अब हम लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे पहले ये यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू लिख लेंगे कॉस थीटा की यहाँ भी साइन थीटा की यहाँ कॉस थीटा की अब यहाँ पे हम ए और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा बी और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर एलसीएम दोनों का सेम है तो अन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ बी एल सी एम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ये इससे कट जाएगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ये जो हमें राइट हैंड साइड प्रूफ करना है ए स्क्यर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी और ट्वेंटी वन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे थ्री टेन थीटा इक्वल टू फोर दिया गया तो हमें प्रूफ करना है फोर कॉस् थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू फोर बाई फाइव क्वेश्चन ट्वेंटी वन है थ्री थीटा इक्वल टू टू तो शो so करना है कि फोर साइन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा अपॉन टू साइन थीटा प्लस सिक्स कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई थ्री अब हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू की तरफ चलते हैं दिया गया थ्री कॉट थीटा इक्वल टू फोर तो हमें शो so करना है कि वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो हम यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा थ्री इधर ट्रांसफर कर लेंगे फोर बाई थ्री आ जाएगा ट्राइंगल बना लेंगे बेस बाई परपेंडिकुलर होता है कॉट की वैल्यू ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी कि आ जाएगा हमारा फाइव अब टेन थीटा की वैल्यू थ्री बाई फोर कॉस थीटा की वैल्यू कितना होगा फोर बाई फाइव हो जाएगा साइन थीटा की थ्री बाई फाइव परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बेस बाई हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बाई बेस ये हमें याद होना चाहिए तभी हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू रखेंगे और थ्री पॉइंट फोर का होल स्क्वायर थ्री अपॉइंट फोर का होली स्क्वायर नाइन हो जाएगा सिक्सटी नाइन अपॉन सिक्सटीन एलसीएम लेंगे सिक्सटीन माइनस नाइन सिक्सटीन प्लस नाइन सिक्सटीन सिक्सटी यहाँ कैंसिल हो जाएगा सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव आ जाएगा राइट हैंड साइड ले लेंगे काश थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फोर बाई फाइव का होल स्क्वायर माइनस थ्री बाई फाइव का होल स्क्वायर यानी सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव और नाइन बाई ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव हो जाएगा सिक्सटीन माइनस नाइन ट्वेंटी फाइव यानी ये भी सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा कितना सेवन अपॉन्ट ट्वेंटी फाइव अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री देखते हैं इसमें हम देखेंगे सिक्स थीटा इक्वल टू सेवनटीन अपॉन एट दिया गया है हमें प्रूफ करना है कि थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री इक्वल टू थ्री माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा ट्राइंगल बना लेंगे यहाँ सेवनटीन यहाँ एट हो जाएगा हम ए बी निकाल लेंगे ए बी निकालेंगे फिफ्टीन निकाल आएगा इस तरह से सॉल्व करके और साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा तीनों की वैल्यू निकाल लें साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिफ्टीन बाई सेवनटीन कॉस थीटा की एट बाय सेवनटीन टेन थीटा की फिफ्टीन बाई एट अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और प्रूट करेंगे साइन थीटा की जगह फिफ्टीन बाई सेवनटीन का होल स्क्वायर हो जाएगा और कॉस थीटा की जगह एट बाई सेवेंटीन का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे फिफ्टीन का फिफ्टीन में मल्टीप्लाई करेंगे टू ट्वेंटी फाइव आएगा टू ट्वेंटी फाइव में फोर का मल्टीप्लाई करेंगे नाइन हंड्रेड आ जाएगा सेवनटीन सेवनटीन का स्क्वायर टू एटी नाइन होता है यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे इतना जाएगा. तो आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो हमारा आ जाएगा थर्टी थ्री अपॉन सिक्स हंड्रेड इलेवन इसी तरह से जब हम इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे थ्री माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा आप देख सकते हैं सिंपल वे है सॉल्व करने का आप सॉल्व कर सकते हैं थ्री माइनस फिफ्टीन का स्क्वायर टू ट्वेंटी फाइव एट का सिक्सटी फोर ये हो जाएगा टू ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री सिक्स सेवेंटी फाइव हो जाएगा सॉल्व कर लेंगे एल्शियम लेंगे सिक्सटीन फोर या वन नाइनटी टू हो जाएगा यहाँ वन नाइनटी टू माइनस टू ट्वेंटी फाइव सिक्सटी फोर फोर माइनस सिक्स सेवेंटी फाइव सॉल्व करें सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर कैंसिल होएगा माइनस थर्टी थ्री पॉन सिक्स हंड्रेड आएगा माइनस माइनस कैंसिल देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है इसका मतलब हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया सो हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में एक फिगर दिया गया है और इसमें एक ट्रेंगल बना है ये हमारा जो ट्रेंगल बनाया है हमने ए बी सी डी करके दो ट्रायंगल है यहाँ पे जो एंगल बी है ये थीटा दिया गया है और ए uh, डी की वैल्यू टेन सेंटीमीटर और सी और बी दोनों इक्वल है और दोनों कितना है फोर सेंटीमीटर है तो हमें फाइंड करना है साइन थीटा कॉस थीटा तो अगर हमें साइन थीटा फाइंड करना है तो यहाँ हम देखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी हम ट्रेंगल कौन सा लेंगे ए बी सी पर हमें काम करना है तो हमें ना परपेंडिकुलर तुम्हें तो पता है लेकिन हाइपोटेनस नहीं पता तो हम पहले हाइपोटेनस निकालेंगे तो हम पहले ट्रेंगल लेंगे ए बी डी ए बी डी में हम पाइथागोरस लगाएंगे ए डी का स्क्वायर इक्वल टू तो बी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर तो टेन का स्क्वायर इक्वल टू तो एट स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर तो यानी हंड्रेड माइनस सिक्सटी फोर आ जाएगा सिक्स यानी कि हमारा जो ए बी की वैल्यू है ये कितना आ जाएगा सिक्स आ जाएगा अब हम ए सी निकाल सकते हैं ट्रेंगल ए सी बी ए बी सी में पाइथागोरस लगाएंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर तो हम पाएंगे कि ए की, की वैल्यू कितना आ जाएगा टू हंड्रोड थर्टीन फिफ्टी टू आएगा जब फिफ्टी टू को लिखेंगे टू से डिवाइड करेंगे तो ट्वेंटी सिक्स आएगा फिर टू से डिवाइड करेंगे तो थर्टीन आएगा थर्टीन डिवाइड नहीं होगा एक पेयर बन जाएगा यानी टू रूट थर्टीन हो जाएगा अब बस साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा बी सी बाई ए सी यानी बी सी बाई ए सी यानी फोर अपॉन टू हंडर रूट थ्री बी सी की वैल्यू कितना 4 है फोर है ए सी की वैल्यू टू रूट थ्री यहाँ से आप देख सकते हैं इसी तरह कास्ट थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा ए बी बाई ए सी हो जाएगा ए बी की वैल्यू सिक्स है टू अपॉन रूट थ्री यानी थ्री अपॉन अंडर रूट थ्री अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हम हमारा आंसर जो है वो थोड़ा चेंज होकर दिएगा जैसे नीचे अंडर रूट है तो रेशनलाइजेशन भी किया जा सकता है यहाँ अंड रूट थ्री का ऊपर और नीचे चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा आंसर हो जाएगा थ्री अंडर रूट थर्टीन अपॉन थर्टीन हो जाएगा क्या हो जाएगा थ्री अंडर रूट थर्टीन अपॉन थर्टीन यहाँ भी चाहें तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंडर रूट थर्टीन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा टू अंडर रूट थर्टीन अपॉन थर्टीन क्या हो जाएगा टू अंडर रूट थर्टीन अपॉन थर्टीन इस तरह से भी लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव की तरफ इंटर एंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू नाइन्टी डिग्री है बी इक्वल टू ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर है बी सी इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर है और हमें फाइंड करना है साइन ए की वैल्यू कॉस ए की वैल्यू साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू तो पहले तो हम ए सी निकाल लेंगे ट्वेंटी फोर का स्क्वायर प्लस सेवन का स्क्वायर फाइव सिक्सटी सिक्स फोर्टी नाइन यानी सिक्स ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव आ जाएगा तो जब देखिए साइन ए यानी एंगल हमारा यहाँ आ गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि बी सी अपॉन ए सी तो सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव कॉस ए निकालेंगे तो ए यहाँ है तो बेस ये होगा हमारा AC, 25, C, अब यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी ए बी अपॉन ए सी ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव साइन सी अब सी यहाँ है परपेंडिकुलर ये होगा यानी बी अपॉन पी अपॉन एच ए बी अपॉन ए सी ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव इसी तरह कॉस सी हमने बताया था कि अगर एंगल यहाँ है तो उसके सामने परपेंडिकुलर होगा अगर एंगल यहाँ है तो परपेंडिकुलर यहाँ होगा यानी एंगल थीटा जहाँ रहेगा या ए जहाँ रहेगा उसके सामने परपेंडिकुलर होगा और तो उससे सटे हुए क्या होगा बेस होगा अगर यानी ए यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये होगा साइन ए निकालना है और जब साइन सी निकालना है तो परपेंडिकुलर ये होगा एंगल हमारा यहाँ है इस बार इस चीज़ का हमें ध्यान देना है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे लिखा इन ट्रैगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू नाइनटी डिग्री एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा बी सी इक्वल टू ट्वेंटी वन यूनिट ए बी टू ट्वेंटी नाइन यूनिट सो करना है कि कास स्क्वायर थीटा मैंने साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फोर्टी वन अपॉन एट हंड्रेड फोर्टी वन अब हम देखते देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इसको भी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे लिखा है इन ट्रैंगल ए बी सी एंगल बी नाइन्टी डिग्री है और ए बी ट्वेल्व सेंटीमीटर बी सी फाइव सेंटीमीटर दिया गया तो कॉस ए कोस एक कॉस सी और कोस सी की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट देखते हैं साइन अल्फ़ा इक्वल टू वन बाई टू दिया गया है तो हमें प्रूफ करना है कि थ्री कॉस अल्फा माइनस फोर कॉस क्यूब अल्फा इक्वल टू जीरो तो हम ट्रै बना लेंगे ये हमारा एंगल हो जाएगा अल्फ़ा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर टू का स्क्वायर इक्वल टू वन का स्क्वायर यानी अन रूट थ्री हमारा वैल्यू आ जाएगा तो हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकालते हैं कॉस अल्फा की वैल्यू कितना आएगा रूट थ्री बाई टू आ जाएगा रूट थ्री बाई टू बेस बाई हाइपोटेनस होता है इसकी बी सी की वैल्यू कितना है रूट थ्री है तो हम इस अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं थ्री कॉस अल्फा माइनस फोर कॉस क्यूब अल्फा थ्री हंड्रेड थ्री बाई टू माइनस फोर रूट थ्री बाई टू का होल क्यूब तो ये थ्री रूट थ्री बाई टू हो जाएगा और यहाँ फोर ये रूट थ्री का क्यूब कितना होगा थ्री रूट थ्री होगा अपऑन टू टूजा फोर एट यानी कि फोर टू जेट थ्री हंड्रेड थ्री अपॉइंट टू हो जाएगा थ्री हंड्रेड थ्री अपॉइंट टू सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा जीरो अब क्वेश्चन नंबर हम ट्वेंटी एट की तरफ चलते हैं ट्वेंटी एट सॉरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट तो हो गया दिया गया कि ट्रेंगल ए बी सी में एंगल बी नाइन्टी डिग्री है टेन ए इक्वल टू वन अपॉन थ्री है तुम्हें तो प्रूफ करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इक्वल टू वन तो बस एक ट्रेंगल बना लेंगे एंगल भी ध्यान रहे कि कहाँ है नाइन्टी डिग्री है अब एंगल ए नाइन्टी डिग्री है तो टेन ए इक्वल टू वन अपॉन एंड थ्रू ए का मतलब ए हम यहाँ लगा लेते हैं बी और सी अगर ए हम यहाँ लिखते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा चूंकि हमने ए यहाँ लिखा है तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर तो ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे ए सी की वैल्यू कितना आ जाएगा टू आ जाएगा अब यहाँ पे हमें किसकी किसकी वैल्यू चाहिए साइन ए की कॉस सी की कॉस ए साइन सी की सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले साइन ए की वैल्यू कितना आएगा वन बाई टू ए यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये होगा हाइपोटेनस ये होगा कॉस सी यानी कि अब यहाँ एंगल है तो बेस बाय हाइपोटेनस तो जब यहाँ एंगल है तो उसके साथ ही क्या होता है बेस होता है तो वन बाई टू हो जाएगा कॉस ए निकालना है तो रूट थ्री बाई टू साइंस सी निकालना है तो सी यहाँ है यानी परपेंडिकुलर ये होगा तो रूट थ्री बाई टू अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो वन अपॉइंट टू इंटू वन अपॉइंट टू प्लस रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू तो आंसर आ जाएगा वन बाई टू प्लस रूट थ्री रूट थ्री का मल्टीप्लाई होगा थ्री बाई फोर जाएगा सॉल्व कर लेंगे वन प्लस थ्री बाई फोर फोर प्लस वो इक्वल टू वन आ जाएगा इसी तरह दूसरा वाला इसका जो है कॉस ए कॉस सी मैंने साइन ए साइन सी आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्टी की तरफ देखते हैं लिखा इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है एक्यूट एंगल है ऐसा है कि साइन ए और साइन बी दोनों इक्वल है तो मैं प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल होगा तो हम बस एक ट्रैंगल बना लेते हैं ए सी बी करके अब यहाँ पे हमने सी हम यहाँ रखेंगे इसलिए कि हमें दिया गया कि साइन ए और बी दोनों क्या है एक्यूट एंगल है मतलब कि अगर ये सी नाइन्टी होगा तभी ए और बी दोनों एक्यूट होगा क्योंकि अगर ये नाइन्टी है तभी इन दोनों का सम क्या होगा नाइन्टी होगा और नाइन्टी अगर दोनों का सम होगा तभी दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे एक्यूट एंगल आप सभी लोग को पता है क्या होता है जो नाइन्टी डिग्री से कम हो यानी एंगल लेस देन नाइन्टी डिग्री को हम क्या कहते हैं एक्यूट एंगल कहते हैं तो हम यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकालेंगे साइन ए इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हैपोटेनस यानी बी सी अपॉन ए सी साइन बी की वैल्यू क्या निकालेंगे ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा साइन बी की बी यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये होगा ए सी बाई ए बी अब हम देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन ए और साइन बी इक्वल है तो बस हम इसी रूल को फॉलो करेंगे हम लिख लेंगे गिवेन है कि साइन ए इक्वल टू गिवेन है कि साइन ए इक्वल टू साइन बी अब वैल्यू पुट कर लेंगे वहाँ तो बी सी ए पौने इक्वल टू ए सी ए पाने हो जाएगा ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा ए सी तो हम देखेंगे कि ट्रेंगल ए बी सी अब क्या हो जाएगा आई सो से लेस ट्रेंगल हो जाएगा क्योंकि अगर दो साइड इक्वल है तो अगर दो साइड इक्वल होता है तो कैसा ट्रेंगल होता है आई सो से लेस ट्रेंगल होता है इसका मतलब कि बी सी के सामने कौन सा एंगल है हमारा एंगल ए है और ए सी के सामने कौन सा एंगल था एंगल बी था सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है अब इसमें भी देखेंगे कि दिया ए और बी ए क्यू एंगल है तो टेन ए और टेन बी बराबर है तो प्रूफ कीजिए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है सेम वैसे ही हम निकालेंगे टेन ए की वैल्यू टेन बी की वैल्यू अब गिवन है कि टेन ए टेन बी दोनों बराबर है दोनों की वैल्यू रख देंगे बी सी और बी सी का मल्टीप्लाई करेंगे बी सी स्क्वायर हो जाएगा ए सी का ए सी स्क्र अब स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बी सी इक्वल टू ए सी आ जाएगा तो ट्रैंगल ए बी सी क्या हो जाएगा एसोसिलेस्ट ट्रैंगल हो जाएगा तो एंगल इक्वल टू एंगल बी आ जाएगा अब क्वेश्चन नंबर थर्टी टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू बहुत ईजी है लिखा है एंगल बी इज अ राइट ट्रैंगल टेन इक्वल टू वन तो वेरीफाई करना है टू साइन ए कॉस इक्वल टू वन कह रहे कि एंगल बी राइट ट्रैंगल है तो हम एक ट्रैंगल ऐसे बना लेंगे यहाँ लिख देंगे एंगल बी है यहाँ ए है और यहाँ सी है प्रूफ कर लेंगे आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री की तरफ चलते हैं इसमें जो है दिया गया है कि इन राइट ट्रैंगल ए बी सी नहीं क्वेश्चन थर्टी थ्री है सॉरी थर्टी थ्री हाँ दिया है इन द गिवेन फिगर ट्रेंगल पी क्यू आर एक फिगर दिया गया है पी क्यू आर यानी कि फिगर है पी क्यू आर इसमें एंगल पी थीटा है और एंगल आर जो है वो फाई है पी क्यू की वैल्यू एक्स दिया गया है और पी आर की वैल्यू एक्स प्लस टू दिया गया तो हमें प्रूफ करना है फाइंड करना है अंडरू टू एक्स प्लस वन कॉट फाइव की वैल्यू अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर टेन थीटा की वैल्यू क्या होगा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा तो सबसे पहले हम पी क्यू निकालेंगे क्या निकालेंगे पी क्यू पाइथागोरस लगाएंगे पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्यर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्ल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्यर ए प्स बी का होली का फार्मोला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू टू एक्स और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा फोर ब्रैकेट में वन प्लस अब चूंकि यहाँ फोर कॉमन ले लिया तो वन प्लस एक्स बच जाएगा तो अंडर रूट इधर करेंगे फोर का टू हो जाएगा और ये अंडर रूट वन प्लस एक्स हो जाएगा अब हम पहला क्वेश्चन कॉट अंडर रूट एक्स प्लस वन कॉट फाइव है तो कॉट फाइव की वैल्यू क्या होगा देखिए फाइव यहाँ है अब होगा क्या बेस बाई परपेंडिकुलर होता है तो यक्स अपॉन पी क्यू पी क्यू की वैल्यू क्या है टू अंडर रूट वन प्लस एक्स तो अंड रूट वन प्लस एक्स ये कट जाएगा आंसर आ जाएगा एक्स प्लस टू इसी तरह यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे तो एक्स बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या अनरूट एक्स प्लस वन चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन है दोनों में तो एक्स स्क्वायर जब अनरूट के बाहर निकालेंगे तो एक्स हो जाएगा अब टेंथ थीटा की वैल्यू रखेंगे थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी एक्स अपॉन टू अनूट एक्स प्लस वन या वन प्लस एक्स ये इससे कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा कॉस्ट थीटा की वैल्यू सिंपल है बेस बाई यानी टू अनूट वन प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू अब क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर में आते हैं दिया गया एक्स इक्वल टू कोसेक ए प्लस काश ए वाई इक्वल टू यहाँ पे कोसेक ए माइनस कॉस है तो हमें प्रूव करना है कि टू अपॉन एक्स प्लस वन का वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो तो जस्ट हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे टू अपॉन एक्स प्लस वाई लिखा है तो टू अपॉन ये पूरा यहाँ से यहाँ बना लेंगे टू अपॉन कोसेक ए प्लस कॉस ए और वाई प्लस वाई है तो वाई की वैल्यू कोसेक ए माइनस कॉस है तो यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा फिर इस वाले में रखेंगे एक्स माइनस वाई का है तो कोशेक ए प्लस कॉश एब चूँकि यहाँ माइनस है यहाँ यहाँ आप देखेंगे माइनस है तो ये जो वाई की वैल्यू है माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा तो इसलिए माइनस कोशे a प्लस कॉश ए अपॉन टू कोशेक से कोसेक कट जाएगा तो नीचे देखेंगे कोशेक और कोशे क्या हो जाएगा टू कोशे के और यहाँ कॉस ए प्लस कॉसे टू कॉस है टू से टू कैंसिल यहाँ भी टू से टू कैंसिल तो वन अपॉन कोशे और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस वन यहाँ माइनस वन देखिए छूट गया है वन अपॉन कोशिक ए को हम क्या लिख सकते हैं साइने लिख सकते हैं हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे पहले लेक्चर में तो हमने बताया था कि साइने साइन का अपोजिट क्या होता है कोशिक होता है तो वन अपॉन कोशिको को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा वन अपॉन कोशिक को साइन ई लिखेंगे चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस वन और वहीं पे हमने आइडेंटिटी भी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वन होता है तो हम बस उसी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर ए वन हो जाएगा तो वन माइनस वन क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा जी हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है सेम वही क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू कॉटे प्लस दिया गया वाई इक्वल टू कॉट ए माइनस दिया गया है तो अब हमें प्रूफ करना है कि एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन टू होल स्क्वायर इक्वल टू वन तो हम एक्स की जगह वैल्यू रख देते हैं कॉट ए प्लस कॉ से माइनस वाई है तो चूंकि यहाँ पे माइनस जब आगे लगाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा तो माइनस कॉट ए प्लस कॉ से नीचे भी वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ भी वैल्यू पुट कर लेंगे सारा अब यहाँ देखेंगे तो कॉट से कॉट कट जाएगा कॉस से कॉस कट जाएगा कटने के बाद यहाँ टू cos से या फॉन टू कॉट ए हो जाएगा कॉट से कॉट कटेगा तो कॉस से कॉस है टू कॉस है वो टू हो जाएगा टू से टू यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा कॉट को हम वहाँ बताए थे जब लेक्चर स्टार्ट हुआ तो क्या लिख सकते हैं कॉस वाई साइन लिख सकते हैं तो हमने कॉस वाई साइन लिखा ये साइन हमारा ऊपर चला जाएगा और ये कॉस से कॉस कट जाएगा चूँकि स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर है और ये हो जाएगा वन ये हमारा प्रूफ हो गया ये जो हमारा राइट हैंड साइड है इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा होगा चैप्टर इलेवन होगा हर एक्स अग्रवाल का टिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप सम पार्टिकुलर एंगल टिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप सम पार्टिकुलर एंगल अगला हमारा वीडियो होगा इस पर जल्द ही हम अपलोड कर देंगे इसको भी बस आप लोग अच्छे से पढ़िए थैंक्स फॉर वॉचिंग